guys, what's up? Welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले kind of what's new and affordable होने वाला है because one of my favorite brands which is Swiss Beauty ने launch किया है बहुत सारा नया makeup and you know मैं काफी time से इस पूरे new makeup game से काफी बाहर थी but I am back और आज हम बात करने वाले हैं Swiss Beauty की exclusive range with purple.com which is craze. I have all the products. I think मैंने सिर्फ eye shadow blusher वाला जो वो quad था वो नहीं मंगाया बिकॉज आई एम नॉट इन टू अ लॉट ऑफ आई शैडोज दीज डेज. तो उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पर. विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड और बात कर लेते हैं एक एक करके सबके बारे में. और अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं देन मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे वेट कर देना. ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167. लेट्स बिगिन. ऑलराइट, सबसे पहला प्रोडक्ट विच इज देयर प्राइमर. इसमें मोरिंगा सीड ऑयल है एंड जैपोनिका सीड ऑयल है. मुझे नहीं पता जैपोनिका क्या होता है या हैपोनिका है, वो हो सकता है एच बी प्रोनाउंसिएशन हो उसका, कुछ कह नहीं सकते. बाय द वे दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इट इवन आउट्स योर पोर्स, वाटरप्रूफ है एंड ऑयल कंट्रोलिंग है. अगर ये ऑयल कंट्रोलिंग है एंड पोर फिलिंग है, वाटरप्रूफ है, देन आई थिंक कि ड्राई स्किन के लिए उतना अच्छे से काम नहीं करेगा. दैट वाज माय नोशन. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी ड्राई स्किन है सो मेरे को ये ठीक ठीक लगा. अगर मैं बहुत हैवी वाला मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ ना इसके नीचे तो उस केस में तो ये ठीक चलता है, बट अगर मैंने अपनी स्किन को थोड़ा भी लीनियंसी बरती कि मॉइस्चराइज करने में तो फिर I feel it doesn't do that well. I hope you understand that. अगर आपके oily skin है on the other hand, you will love this. I love the packaging. By the way, we are twinning. So I love the packaging. कांच की bottle है तो थोड़ा heavy है. The whole vibe of the brand is like packaging wise, it's very on point, very chic and very fun at the same time. So this is how it is. ये pump के साथ में आता है. बस आप दो चार pump ले लो और अपने face पे लगा लो. There's nothing too crazy about these. Honestly speaking, this particular primer. Honestly speaking, आपको इस जैसे और इससे बेहतर प्राइमर मार्केट में मिल जाएंगे. दिस रिटेल्स फॉर 299, आई थिंक 399. दिस रिटेल्स फॉर 399, बट अभी कुछ तो भी दिस डिटेल्स फॉर 399 rupees, बट अभी तो क्योंकि अभी भी लॉन्च हुआ है तो कुछ कुछ डिस्काउंट चल रहे थे. वैसे भी आई थिंक पर्पल पे IHP चल रहा है तो उसकी वजह से ये मुझे डिस्काउंट पे मिल गया था. ओवरऑल इट्स अ डिसेंट प्राइमर. खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, अदरवाइज ऑलरेडी प्राइमर है देन यू कैन स्किप दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज वन ऑफ माई फेवरेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, और ये है इनके लिप एंड चीक टिंट. दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज. अगेन सिमिलर पैकेजिंग है, सिमिलर वाइब है पैकेजिंग की एंड आई एम एक्चुअली वाइबिंग विद दिस. These retail for 299 rupees each, which is a very decent price. और इनका जो packaging है वो इस तरीके के acrylic container में आपको मिल जाते हैं. मैंने यहाँ पर तीन shades मंगाए हैं. सबसे पहला जो shade है वो है 02 macaron and ये एक beautiful सा brown nude lip and cheek tint है. इसकी जो texture है ना, it's like very pigmented, but at the same time it feels very balmy. But ऐसा नहीं है कि blend होने में मुश्किल होता है. It gives a nice dewy finish. It's too dewy, I would say. It's not a matte at all. ये ड्यूई साइड पर ही है एंड दिस इज हाउ मैक्रॉन लुक्स लाइक. न्यूड सा ब्लश है एंड लिप्स पे बहुत अच्छा लगेगा ये कलर आई फील. ओके, जो नेक्स्ट शेड है मेरे पास वो है एप्पल पाई 03. इट इज ए ब्यूटीफुल लाइट पिंकी कलर एंड जस्ट क्विकली स्वॉच दिस ऑल्सो फॉर यू. बहुत ही प्यारा सा सटल सा पिंक कलर है. आई थिंक दिस इज वॉट आई अप्लाइड ऑन माई चीक एंड मेरे चीक्स पे इसको हो गया है आराम से एक डेढ़ घंटा. आई वुड नॉट से इट्स सुपर लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज एनी विच वेज ये ड्यूई है, काफी क्रीमी है, तो कोई भी क्रीम प्रोडक्ट अगर होगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा. दैट्स लाइक वी नो दैट. सो इट्स नॉट सुपर लॉन्ग लास्टिंग. इट हैज स्टार्टेड टू फेड अवे फ्रॉम माय चीक्स लाइक स्पेशली दिस एरिया, बट आई थिंक 2-3 घंटा ये चल जाएगा आराम से. लिप्स पे आई स्टिल हैव टू टेस्ट इट आउट, बट आई फील क्योंकि ये काफी क्रीमी है तो लास्टिंग पावर ऑब्वियसली उतनी ज्यादा नहीं रहेगी. और जो थर्ड शेड है जो मैंने लिया है ये है 04 पिंक जेली. ये मेरा एक्चुअली फेवरेट शेड है आउट ऑफ ऑल द थ्री बिकॉज ये ना एक मॉविश पिंक कलर है एंड आई थिंक ये काफी सारे स्किन टोन्स को फ्लॉन्ट करेगा. सो ये रहे तीनों शेड्स. सबसे ऊपर वाला है 02, देन वी हैव 03 एंड वी हैव 04. 04 आप कह सकते हो 02 और 03 का मिक्सचर है एंड दिस वाज आई थिंक इन 6 शेड्स. ओवरऑल द पैकेजिंग इज ऑन पॉइंट एंड द पिगमेंटेशन इज ऑल्सो रियली रियली गुड. इसको मैंने चीक्स पे लगाया था तो मेरे को ब्लेंड करने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, कोई ब्रश की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ फिंगर्स की हेल्प से बहुत आसानी से ब्लेंड हो गया था. आई एम सॉरी मैं बहुत टाइम के बाद ये सब कुछ कर रही हूँ तो आई might be all over the place, but मैं आपको ज्यादा से ज्यादा information देने की कोशिश कर रही हूँ. अगर मैं ingredients की बात करूँ तो ingredient की list आपको यहाँ पर पीछे मिल जाती है. You can just go through it अगर आपको देखना है कि कोई product ऐसा तो नहीं है जो आपको suit करता है या नहीं करता है. So you can go this. Oh by the way, all of these products are made in China. They are not made in India. These are made in China. Just FYI.
The next thing that I got from the craze range are their lip balms, tinted lip balm. And I don't know, I think they unki lipstick bhi thi similar packaging mein, so I got confused because somewhere it was mentioned ki ye non-transfer lip balm hai, which obviously doesn't make sense because no, these are not non-transfer lip balm. These are enriched with cocoa butter and ye aapko all day protection and moisture dono provide karta hai. Also, iska jo pehla ingredient hai, wo mineral oil hai, just FYI. I don't mind, but you know, there are people who do mine, so unke liye. So I got 3 shades. I'll quickly swatch. Jo sabse pehla shade hai, wo hai Cherry Crush. And ye na literally tinted hai. You have to apply a lot to get that color aapke lips pe dikhne ke liye. So this is Cherry Crush, jo ki I'm not sure ki aap camera catch bhi kar raha hoga ya nahi. Main fir bhi baad mein ek bar swatch fir se dikha dungi. Jo dusra shade hai mere paas, wo hai Sugar Rose, jo ki ek bahut hi deep रेड कलर दिखने में लगेगा ये, बट इट्स द मोस्ट पिगमेंटेड वन आउट ऑफ द 3 दैट आई हैव. सो दिस इज चेरी क्रश, दिस इज योर शुगर रोज. शुगर रोज ये ना, हाँ शुगर रोज. जो शुगर रोज है इसमें मिंट की फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक जैसे पोलो खाते हैं ना वैसी फ्रेग्रेंस है. हाँ, सिर्फ शुगर रोज में है. यस, कुछ अलग है क्या ये? सिर्फ शुगर रोज हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिंटी फ्रेग्रेंस, और जो बाकी दोनों शेड है उसमें नहीं है. एंड द थर्ड वन इज कोरल पिंक, जो की काफी सिमिलर है चेरी क्रश से, बट इट इज स्लाइटली डार्कर. सो दैट्स योर चेरी पिंक. सो ये रहे तीनों शेड्स. आप जब स्क्रीन पे देख रहे होगे तो आपको लिप स्वॉचेस भी मिल जाएंगे इन तीनों के. आई हैव यूज्ड दीज लिप बाम्स, मैंने कल परसों जब से आया तब से रोज ट्राई कर रही हूँ. दे आर वेरी 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 हाइड्रेटिंग, एंड देन आपको 2-3 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ेगा. जो कलर है वो बहुत सटल है, तो एवरीडे यूज के लिए परफेक्ट है. ओ, दीज रिटेल जस्ट फॉर 199 rupees, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल. पिगमेंटेशन काफी अच्छा है, नरिशमेंट भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड These are enriched with cocoa butter, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला. Yes, it has mineral oil, it has synthetic wax, it has cocoa seed butter, then cera microcrystalline and beeswax भी है इसमें. So इसमें beeswax भी है, तो ये vegan नहीं है. If you are somebody who uses vegan products, or you can't use this because this has beeswax. Let me just quickly check the lip and cheek tint also. Lip and cheek tint में कोई भी मुझे animal derivative वाला product दिख नहीं रहा, so I think this is vegan. Moving on to the next product, which I am pretty excited about, is this mascara. So ये इस तरह की cardboard box में आता है, and you get, it's a dual-ended mascara. So एक तरफ में आपको volumizing wand मिलता है, जिससे आप volume दे सकते हो अपनी lashes को, and दूसरी तरफ में आपको मिल जाता है lengthening wand, जो कि bristles काफी कम है and आप length दे सकते हो. So जिसमें bristles कम है वो side में को अपने lower lash line पे use करना अच्छा लगता है, and जिसमें bristles थोड़े से लंबे हैं वो मुझे अपने upper lash line पे use करना, lashes पे use करना पसंद है. This is a decent mascara. I mean, I have used similar kind of mascaras. आपको एक ही में दो चीजें मिल रही है, which is quite nice because this is quite affordable as well. ये आपको मिल जाएगा for 349 rupees, and उसके ऊपर भी आपको discount मिल जाएगा. And एक ही में आपको दो mascara मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छी है. Packaging is very much like, it looks like Huda Beauty का mascara. To be very very honest, Huda Beauty का mascara का packaging literally ऐसा ही है. It's just that the color is different. So first, उसमें जो है, it felt very nice and you know, थोड़ा सा luxe feeling आ रही थी. Okay, next I got their plumping lip gloss. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 shades. So मैं ये shades यहाँ पे swatch नहीं करूँगी. These are sheer lip glosses. I have shade number 11. Yeah, shade number 11 on my lips right now. ये थोड़ी देर के लिए तो tingling sensation होती है, like a minute or so, and then you feel nothing. I don't know ये कितना ज़्यादा plump up कर रहा है मेरे lip को. The gloss, however, is very, very, very good. It's non-sticky. It's very smooth and hydrating as well. So मैं ना एक shot डाल दूँगी reviewing these in detail in the shot along with the swatches of all the 6 shades, and agar ho saka to main yahan par bhi aapke liye share kar dungi. The packaging is really nice. Ye isi tarike se aate, koi cardboard box nahi aata iske sath mein, and this retails for just 249 rupees. Packaging wise is really good. Now 249 rupees mein aapko isme mil jata hai sirf 2 ml product, but overall the product is nice, the packaging is nice, and yeah, you can, you know, try it out if you want an affordable plumping lip gloss, sheer lip gloss, then this is your thing. क्योंकि इसमें ऐसे ओपेक फिनिश नहीं है, दिस विल गिव यू अ हिंट ऑफ कलर ओनली, तो लिपस्टिक्स के ऊपर यूज करने के लिए ठीक रहेगा. ओह, आई हैव 7 शेड्स, आई डोंट हैव 6, बट आई हैव 7 शेड्स. ओके, जो लास्ट चीज है वो है, आई थिंक इनकी ये पुराना कलेक्शन में से ही है, एंड दीज आई एक्चुअली गॉट फॉर फ्री. सो दीज आर स्विस ब्यूटी प्योर मैट लिपस्टिक्स, एंड आई हैव 2 शेड्स. जो बेयर वाला शेड है ना, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड, आई लव इट, एंड आई थिंक आई हैव यूज्ड इट इन द पास्ट. इट्स अ न्यूड शेड, और जो दूसरा शेड है इट्स अ रेड शेड. So thank
थैंकफुली जो दो लिपस्टिक्स मिली दोनों अलग अलग शेड्स की थी. आई क्विकली जस्ट स्वॉच देम ऑन माय हैंड्स एंड ऑन माय लिप्स एज वेल. तो सबसे पहले जो शेड है वो है 0201 रशियन रेड. बहुत ही ब्राइट सा रेड कलर है ये. इट्स अ टमाटरी रेड काइंड ऑफ अ रेड कलर. दिस इज हाउ रशियन रेड लुक्स लाइक एंड इट स्मेल्स लाइक क्रियॉन्स. नहीं होते वैसा है कोई ऐसे अलग सी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस नहीं है इनकी. इट्स लाइक जो नॉर्मल लिपस्टिक्स की फ्रेग्रेंस होती है वैसी. एंड दिस इज बेयर. बेयर इज एक्चुअली अ ब्राउनी न्यूड शेड जो कि आई थिंक फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक पे बहुत अच्छा लगेगा. सो दीज आर द टू शेड्स दैट आई गॉट इन दिस. सबसे पहले मैं बेयर स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ. दीज आर क्रीमी मैट लिपस्टिक्स. I feel this is an okayish kind of a formula from Swiss Beauty because I have used better lipsticks. आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा to get a good finish, like good coverage. And उसके बाद भी अगर आप bare देखो कि ना, the shade is pretty but बहुत ज़्यादा coverage नहीं मिला है मुझे. Let me just quickly apply Russian Red on top of this. I'm not very happy with this particular lipstick to be honest. It's not the most pigmented lipsticks from Swiss Beauty. Swiss Beauty themselves have amazing lipsticks but I'm not a big fan of these ones. Specifically, the glosses are really good, but I will not recommend. I also got the Swiss Beauty Pro Eyelash Glue. This I will try out and will surely share my thoughts on this very, very soon. So, ये इस तरीके की packaging में आता है. इसमें आपको मिल जाता है 5 ml product and I am excited to try this out. और ये दो shades में available है. आपको black और white दो shades में मिल जाता है ये. And this retails for I think 249 का था ये. Yes, 229 rupees का retail करता है. ये I got from Nykaa. All right. And those were all the products that I got from Swiss Beauty and that's your What's New in Affordable. आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना. All the links are in the description box. Make sure to check them out. Some of them might be affiliate links. And that's it for today's video. I'll see you guys next time. Till then, take care. Bye.